अभी हम मौजूद हैं पार्क सर्कस सर्कस एवेन्यू के पास, और आपको बता दें यहाँ पर काफ़ी लोग जो नशा खोर है, जो नशा करते हैं उनको लेके काफ़ी परेशान है, और सबका यही मांग है कि जो नशा करते हैं उनको पुलिस अरेस्ट करे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि नशा जो है बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद है, आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, गरीब लड़का है, सब अपना अपना संसार चलाते हैं। कुछ कुछ नशा वाला लिए पूरा यहाँ का लोकल आदमी सब परेशान है। क्या परेशानी हो रहा है आपको? नशा भांग करता है, बाहर के लड़के लोग को ठेक देता है, पाड़ा का लड़का है कि बाहर का लड़का हमको नहीं होता। हम लोग जितने देर तक काम करते उतना तो होता, प्लस माँ बहन लोग सब जाती है, उन लोग को असुविधा होता है। कितने बजे रात में नशा ये लोग करना शुरू करते हैं? टाइम टेबल तो हम बोल नहीं सकते, हम आते हैं मिड रात में भी होता, हम लोग 8 बजे से चले जाते काम से, उसके बाद भी बहुत सा आता भाई तो देखते हैं, हिंदू भाई भी देखते हैं, और भी सब लड़का लोग रहता है, लोकल का दुकानदार लोग है, और भी माँ बहन लोग आना जाना करती है, उन लोग को डिस्टर्ब होता है। तो क्या 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 नशा करते हैं वो लोग? उन लोग बहुत रकम का नशा का दाम हमको मालूम नहीं, हमको नशा नहीं करते, हम सिंपल गरीब घर का लड़का है, कमा खा के खाते हैं यहाँ पे, आते दूर से लोग हिंदू ग्रुप से मास पिटीशन दिया है जो यहाँ पे है जी, मास पिटीशन दिया है, सब लड़का का मोबाइल नंबर साइन है यहाँ पे, ठीक है। थाना कितना एक्टिव है? थाना को बोला गया, थाना के एक्शन नहीं लो तो मिंकू भाई जानते हैं, और उसके बाद मिंकू भाई बहुत परेशान हो गए, बिनिया पुकुर हम लोग का लोकल थाना पड़ा और कड़ाया उस तरफ पड़ा, और मिंकू भाई बहुत परेशान हुए, होने के बाद लास्ट में कल क्या किया, बहुत परेशान हो गए, मैंने बाहर बर्दाश्त के बाहर हो गया, वो चले गए डीसी ऑफिस जाके लेटर दिए। अब आप लोग को रिक्वेस्ट करें, आप लोग एक्शन लीजिए, चले के बाद हम लोग गए नहीं, वो रिंकू भाई नहीं करेंगे, हम लोग समझ के फिर अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग काउंसिलर के पास जाएंगे। ठीक, मेरा नाम मुन्ना है। हाँ, क्या तकलीफ आपको हुआ है? तकलीफ है कि हम फुट पार्ट में डाला लगाते पल का, माँ बहन को आने जाने में बहुत डिस्टर्ब होता है, तकलीफ होता है, नशा आए भी नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इससे बहुत परेशान। नशाखोर कुछ बदतमीजी करते हैं? बदतमीजी करते हैं, क्या करते हैं कैसे आलम में? हाँ, आवाया तवाया माने माँ बहन की तकलीफ, कस्टमर को भी खड़ा होने तकलीफ, इसके इस परेशानी की वजह से हम लोग अभी भी बदतम एफर्ट आ रहा है, बिक्री हो रहा नहीं, एकदम गाली गलौज करते हैं आप लोगों के साथ, नशा का आलम में करते हैं, आने जाने का माँ बहन को भी तकलीफ होते हैं। कितने लोग टोटल हैं नशा करने? बहुत सारा लोग हैं। हाँ, सब लोकल लोकल लड़का भी है, बाहर का भी है। कितने लड़के हैं टोटल? लोग सिर्फ नशा करते तो नहीं होता सर, लेकिन यहाँ टोटल नशा ही होता है। हम देखते हैं, हम लोग सब मिल के, हम लोग भी परेशान, हम लोग भी गाड़ी उड़ी धोते हैं, हम लोग भी चाह के भी उन लोग को बोल नहीं पाते, हम लोग का ऐसे घर चलता है, संसार चलता है, क्या करेंगे, बहुत मजबूरी में हम लोग को मुँह बंद करके हट जाने पाता है, उसका आगे बहस करना तो ठीक नहीं लगता है। लास्ट में हम लोग मिंकू भाई को बोला भी, मिंकू भाई कुछ रास्ता निकालिए, तो मिंकू भाई बोला रुको हम कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो फिर कल हम गए भी इनके साथ, थाना भी गए, वहाँ भी बोला, तो ये सब मामला है सर, जो है आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा जितना जल्दी हो तो सब कर दीजिए कम। देखिए एक्टिव ऐसा बात नहीं कि थाना एक्टिव नहीं है, थाना एक्टिव है, लेकिन थाना और हम लोग जो है मतलब इसको बहुत बात दो कि हम लोग शक रहे नहीं, हम लोग शक रहे नहीं, तभी हम बोले कि नहीं मीडिया का माध्यम में हम कहीं ओपन जगह ये आवाज़ जाए और ये नशा को कम हो। नशा में क्या हो रहा है मालूम है, घर का बच्चा लड़का बर्बाद हो रहा है, घर की जो माँ बहनें हैं यहाँ पे मोहल्ला में सब हमको मानती है, उन लोगों का आना जाना तकलीफ, फल वाला है ये लोग, गाड़ी वाला है ये लोग, का क्या हो गया मालूम है, फल वाले दुकान में कस्टमर आता है तो कस्टमर कुछ रुक नहीं पाता, क्यों रुक नहीं पाता है, नशा होता है, गांजा बोलिए पत्ता बोलिए हर नशा यहाँ पे भरी है जी, तो नशा को कम किया जाए ये प्रॉपर कौन कौन से जगह में एरिया में ये देखिए तो डॉक्टर सुरैया रहमान का चैम्बर है। हाँ, उसके नीचे। अच्छा, और ठीक है, उसके बाद में एक आइवेरी होटल के पास में। हाँ, एक्मी होटल के पास में आपका एक पान दुकान है। हाँ, जो रात का 2 बजे तक खुला है, तो ये हम चाह रहे हैं कि मतलब प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि आप लोग प्लीज इसको नशा को कम कीजिए और हमारा मोहल्ला को और मेरा वार्ड को एक अच्छा वार्ड बनाइए, एक अच्छा मोहल्ला बनाइए। ये इसका तो हम कल ही हम दिए, अभी तक का कोई ऐसा एक्शन हुआ नहीं, लेकिन हमारा आर ओ से में हमारा बात हुआ है कि वो बोले कि हम जितना कॉपरेट करना है करेंगे, उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते, कंप्लेंट लेटर उनको चाहिए था, हम कंप्लेंट लेटर हम दे दिए, कंप्लेंट क्या मार्क्स कंडीशन दिए, कंप्लेंट लेटर अलग होता है, मार्क्स कंडीशन हम करके दिए अपने हिसाब से। अब देखते हैं आप लोग का इससे कितना हमारा ये होता है, हमारा मोहल्ला का हमारा वार्ड का हर एक बच्चों को हम चाहते हैं कि अच्छा बने, हम अच्छा के रास्ते में लेके जाना चाहते हैं, ये नशा जो है बाहर से लोग आते हैं तुप से वगैरह यहाँ वहाँ से आते हैं, बच्चा अपना बंद खराब हो रहा है, तो बाहर के आदमी को रोकने के लिए हमको मोहल्ला में हम लोग सबको इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, साथ में आप लोगों का भी सहायता हम लोग को लगेगी और पुलिस का सहायता हम लोग को लगेगी, हम लोग को जो एक्शन लेना है हम लोग वो ले रहे हैं, हम लोग डेली हम लोग एक्शन ले लेके हम लोग अभी थक गए, हम लोग लास्ट क्या करते थे आप क्या कर रहे हैं, मार के भगाना हम लोग हर स्टेप ली, लेकिन देख रहे कोई जिंदगी नहीं रहा, मोहब्बत से समझाना मार के समझाना
अरेस्ट करके समझाना कुछ ऐसा हो रहा है। तो अब हम लोग पुलिस को कुछ हेवी बोलेंगे, हेवी करे, एक एक लड़का उठाए और ले आके कुछ मतलब अच्छा मतलब 2-3 महीना जैसा सजा दे ताकि उन लोगों को सजा मिले। अरे इस